हेलो फ्रेंड्स मैं नीतीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो देखिए हम यहां पर बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स से लेके जिनमें से पहला स्टॉक है ग्रेविटा इंडिया एज वेल एज बात कर रहे करें दूसरा स्टॉक्स मैंगलोर फर्ट, मैंगलोर फर्टिलाइजर और केमिकल्स स्टॉक्स है उससे तो दोनों के चार्ट भी यहाँ पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं एज एज वेल अगर हम यहां पर बात करें इनके फंडामेंटल्स ओके एज एज वेल इनके बिजनेस मॉडल भी कुछ ना कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि जहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनेंगे और वो बड़े बड़े यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है जो कि यहाँ पर पैसा बनाया है जिन्होंने जिन्हें हम फॉलो करते हैं उनकी स्टडी को फॉलो करते हैं वो भी इन शेयरों में इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा हमें इन शेयरों की तरफ ध्यान देना है तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे जानेंगे इन शेयर देर से लेटी पर बिफोर दैट आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं बट बेल आइकन को हिट नहीं करते और बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं हमारी डेली बट यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बीट करिए ताकि वीडियोज भी मिलती रहे सीखते भी रहिए प्ले लिस्ट को थ्रू करिए आप ट्विटर पे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है हमारा उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जाके कॉन्टैक्ट करिए ताकि आपको यहाँ पर चीज़ें मिल सके आप हमारे साथ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं रिव्यू करवा सकते हैं ओके और बहुत सारी चीज़ें आप चाहे तो हमारे साथ पूछ सकते हैं स्विंग ट्रेड इंटर टेड सबसे रिलेटेड तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो ग्रेविटी इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड सबसे पहला यहाँ पर ये स्टॉक आया है तो इसकी अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है कंपनी यहाँ पर नॉन फेरस एज वेल एज माइनिंग के बिजनेस में यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर एक बेहतरीन यहाँ पर नजर आती है स्मॉल कैप कंपनी है कंपनी जो काम करती हुई दिखाई देती है रिसाइकल के बिजनेस में जिसमें अलग अलग तरीके की बैटरीज यूज जो बैटरी हो चुकी है केबल्स क्रैप्स और लेड स्क्रैप और अल्यूमिनियम स्क्रैप प्लास्टिक स्क्रैप एट्रा की यहाँ को रिसाइकिल करती हुई दिखाई देती है जो कि एक बेहतरीन बिजनेस है ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें यहाँ पर एक बार यूज होने के बाद उन्हें दोबारा रिसाइकिल करके यूज में लाना एक बेहतरीन बिजनेस नजर आता है इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि कंपनी के थ्री प्लस यहाँ पर कस्टमर्स है जो कि यहाँ पर एशिया मिडिल ईस्ट यूरोप यूरोप, यूरोप अमेरिका में है ओके okay, 40 प्लस स्पैनिंग कंट्रीज में काम करता है व्हाइल इंडिया ऑपरेशन सिर्फ से लगभग दो दो सौ प्लस यहां पर इनके डोमेस्टिक कस्टमर्स भी है अठारह स्टेट्स में तो हर यहां पर अच्छे-अच्छे इनके बड़े-बड़े क्लाइंट है जैसे कि आप बात करें टाटा बैटरी जो कि यहां पर ऑब्वियसली बात है यहां पर आने वाले टाइम में और भी ज्यादा काम होता हुआ नजर आएगा केईसी अमरा राजा के ईआई जो कि यहां पर आ,

तंजानिया ओके okay, अलग अलग जैसे यहां पर जमाइका श्रीलंका यहाँ पर साउथ अफ्रीक, अफ्रीका अफ्रीका वगैरह में भी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है तो कंपनी अच्छी है कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है ओके okay, जो नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स है वो हम एक बार डिस्कस करेंगे देखिए आप आते हैं फाइनेंशियल पे स्मॉल कैप कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी किस तरीके से काम करती है इसी तरीके से काम करती है जब भागेगी अच्छा भागेगी गिरेगी उसी तरीके से गिरेगी बट और इस तरीके से उनका चार्ट पैटर्न रहता है इस चीज को याद रखिए तो आपको ये वॉलिटिलिटी भी टॉलरेट करनी आनी चाहिए क्योंकि करेंगे बत्तीस परसेंट के सी से पिछले पांच साल में रिटर्न दे चुकी है एक बेहतरीन रिटर्न है ये कंपनी डिविडेंड दे रही है ये अच्छी बात है कंपनी की बात करें कंपनी लगातार अच्छा खासा यहाँ पर क्या क्या पिछले बारह क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट पेश कर रही है और पिछले दो तीन क्वार्टर से हाईएस्ट एवल रेवेन्यू आ रहा है साथ में मार्जिन का थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है वो हम समझ सकते हैं मार्जिन का इफेक्ट किस वजह से आया है ओके एम्प्लॉज कॉस्ट यहाँ पर बढ़ी है जो कि एक बार की है मेटेरियल कॉस्ट की बात करें वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है बट धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा तो यहाँ पर इन कंपनी के ये आ, जो कैप एक्सपेंसिज है वो कम होते हुए नजर आएंगे और कंपनी का जो मार्जिन है वो बढ़ेगा कंपनी की बात करें प्रॉफिट यहाँ पर 16 करोड़ का है जो क्वार्टरली ईयरली क्वार्टरलीयरली पे कम है यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज का अदर इनकम है इस वजह से यहाँ पर अगर आप देखेंगे 45 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट आया तो इसे आपको यहाँ पर देखना नहीं है ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता ओके बट हम देखें ओवरऑल तो कम इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से यहाँ पर डाउन आते हुए दिखाई दे वो हम समझ सकते हैं सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स यहाँ पर देखिए अच्छी खासी लगातार बढ़ी है और ये एक अच्छी कंपनी की पहचान है कि जब यहाँ पर इस तरीके से सेल्स बढ़ती है एज वेल एज कंपनी का प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ता जाए कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जाता तो है याद रखिए ऐसी कंपनी फिर नीचे रहती नहीं है वो शूट हो जाती है तो ऐसी कंपनी अगर हम नीचे के बेस पकड़ ले तो याद रखिए मल्टी बैगर रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कंपनी पर पर थी ओके तो फिर उसके बाद से कहाँ पर चार पे गई है कंपनी की ईयरली बेस इली बैलेंस शीट की बात करें कंपनी के रिजल्ट बढ़ रहे और साथ साथ कंपनी की बोरिंग भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है जो की एक चिंता का विषय है बाकी मेटल कंपनी की अगर हम बात करें बोरिंग कम होती हुई नजर आई है तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है वर्किंग प्रोग्रेस में बयालीस करोड़ रुपए

1.81% की फिर दोबारा बढ़ाई है इन्होंने तो शेयर काफी अच्छा यहाँ पर नजर आ रहा है की बात करें तो इन्होंने ये शेयर इस पहले तो इस भाव पे खरीदे फिर इन्होंने इस भाव पे खरीदे तो कहीं ना कहीं इसी भाव के आसपास उनकी यहाँ पर बाइंग रहने वाली है इस एरिया में तो आपको भी यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं वो बड़े इन्वेस्टर है तो इनका जो सोच रहती है थोड़ी लंबे टाइम के लिए रहती है और यहाँ पर उनकी रिस्क एपेटाइट भी अच्छी रहती है तो इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर समझना होगा तो अब चार्ट की बात करें कंपनी का चार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि, कि किस तरीके से शेयर ने अच्छे खासे रिटर्न बनाए रिटर्न बनाने के बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया अब कंपनी अगर मैं बात करू कंपनी ऑलरेडी रिजल्ट बेकार आने के बावजूद ओके अगर हम इंटरेस्ट अदर इनकम को छोड़ देते हैं तो भी शेयर यहाँ पर लगभग लगभग ये फिफ्टी

तो यहां पर एक सपो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप ये वाला अब बड़ा ही स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ये तीन सौ छह रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस तीन सौ पच्चीस ये याद रखिए इसे यहाँ पर क्रॉस किया इसने तो एक तेजी होगी जो इसे यहां पर लेके जाएगी ओके बट यहां पर मुझे ज्यादा पोटेंशियल नजर नहीं आती कि यहां से ज्यादा ऊपर अभी जाने वाला है क्यों क्योंकि कंपनी के नंबर अभी इतने बेहतरीन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी अगर रिजल्ट अगली बार के अच्छे आते हैं यहाँ पर मार्जिन में और कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा अच्छा खासा सुधार आता है उस केस में हम यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं अदरवाइज अभी कंपनी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चले लेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं फायदा रहेगा और भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में लिस्ट है अगर मेटल में ही जाना चाहते हैं तो मेटल में भी आपको एक से बढ़कर एक यहाँ पर कंपनी नजर आ जाएगी तो आपको थोड़ा सा सोच के समझ के यहाँ पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है बाकी यहाँ पर यह भी एक रजिस्ट्रेंस हमें नजर में आता है तो चीजें हो सकती है यहाँ से ऊपर जाए तो यहाँ से शायद फिर टच करके चुपचाप नीचे आ सकती है तो आपको उस केसेस में सोचना है तभी यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली करना क्या अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक्स की जिसका नाम है मैंगलोर

कम स्लो स्पेस से यहाँ पर टारगेट अचीव हुए इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कंपनी स्मॉल कैप है ओके सत्रह के पी पे इंडस्ट्री का पी ग्यारह है कहीं ना कहीं महंगा है और यहाँ पर लगभग दो सौ परसेंट का डेट है तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी साथ में यहाँ पर दिखाई देती है एक सौ इकतीस का हाई बनाया है लगभग उसी के आसपास फिफ्टी टू वीक हाई के, हाँ के आसपास ये यह शेयर यहाँ पर नजर आता है ओके प्रॉफिट का रेशो अच्छा बढ़ा है बस सेल्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों नजर आते हैं बाकी स्मॉल कैप कंपनी है तो देख सकते हैं कि ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया तो वॉलिटिलिटी और फिफ्टी अपने शेयर को नीचे डाउन देख सकते हैं तो आप इस शेयर के बारे में सोच सकते हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो यहाँ पर कॉशियस भी हमें रहना छत्तीस का पिछले पाँच साल का सी है एकदम अच्छा परफॉर्मेंस इसे हम मापेंगे बट नेगेटिव पॉइंट्स भी साथ साथ है कंपनी की बात करें कंपनी Base, ये पूरा का पूरा यहाँ पर में से का यहाँ पर अच्छा क्वार्टर देखे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये अच्छा है अगर इस अगली बार का प्रॉफिट भी इसी तरीके से याद रखिए शेयर ऊपर क्यों गया इसी वजह से गया कि कंपनी के अच्छा खासा रिजल्ट आया है अगर अपने मार्जिन को और इस प्रॉफिट को यहाँ पर मेंटेन करके रखेंगे अगली बार भी तो याद रखिए यहाँ पर शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा अदरवाइज यहाँ पर अगर गिरता हुआ नजर आई सेल्स ओके प्रॉफिट यहाँ पर मार्जिन वगैरह गिरता हुआ नजर आया तो दोबारा शेयर आपको ऊपर के लेवल पे फंसा के दोबारा यहाँ पर नीचे आ सकता है तो यहाँ पर मैंग्लो केमिकल से रिलेटेड और भी बेहतरीन कंपनी है आप चाहेंगे तो कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा एक शेयर से रिलेटेड जो इसी के प्राइस के आसपास है एक सौ बीस रुपए के आसपास है वो इससे ज्यादा बेहतरीन मुझे नजर आता है अगर मैं चूज करता तो मैं इसे चूज नहीं करता उसे चूज करता क्यों क्योंकि ये ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है और वो यहाँ पर अभी भी नीचे है तो अपने 52 वीक हाई से और शेयर में पोटेंशियल है जब जब बताया तब तक भागा है इसके अलावा रिजल्ट की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट बढ़ रहे हैं अच्छी बात है बस साथ बॉर्डर

होल्डिंग कम हुई है डी एस की होल्डिंग कम हुई है ओके पब्लिक के पास बात कर रहे तो फिफ्टी थर्टी फाइव परसेंट के आसपास की शेयर है और यहाँ पर डॉली खन्ना भी है बट उन्होंने भी यहां पर हिस्सेदारी धीरे धीरे करके यहाँ पर कम कर रहे हैं यहाँ पर देखिए लगातार हिस्सेदारी कम हुई है बट ये तो आते और जाते रहते हैं ऐसा कोई यहाँ पर इनका कोई है नहीं कि ये बिल्कुल ही बने हुए हैं तो बने हुए हैं इस चीज को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा तो मैंगल एक मिनट दीजिए हम्म तो मैंग्लो केमिकल एंड फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें चार्ट की तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर पहले भी यहाँ पर इसकी स्टडी कर रखी है ओके और जब हमने इसकी स्टडी करी थी तो यहाँ पर एक चार्ट बन रहा था इसके बेसिस पे कब

चौबीस रुपए पचपन पैसे का यहाँ पर लो है लो छूटा है तो याद रखिए चीजें नीचे आ सकती है बट नीचे कितनी आ सकती है वो भी हम देख लेते हैं तो अगर नीचे आती है तो मैक्सिमम इतना नीचे आएगा तो ये इसका रजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट नजर आता है एक सौ के आसपास का और दूसरा सपोर्ट है एक अगर इस रेंज में आपको शेयर मिलता है याद रखिए इस रेंज में शेयर मिलता है आपको तो आप यहाँ पर एकोमलेन के बारे में सोच सकते हैं ओके okay, यहाँ पर जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पर काबिल तारीफ है इसके अलावा कब विद हैंडल पैटर्न ओके यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर टारगेट देखते हैं तो लगभग एक रुपए के यहाँ पर टारगेट भी नजर आते हैं बट उसके लिए इसे जो इसका हाई था ओके okay, इसका जो हाई है ये निकालना बहुत जरूरी है अगर इसका हाई है जो ये निकाल दिया तो यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ सकती है बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट के पास है कुछ ऐसी कैंडल बने जो हमें बताए कि हां भाई ये शेयर यहां पर भागता हुआ नजर आ रहा है तो आप उस उस टाइम यहाँ पर सोच सकते हैं बट अभी ऑलरेडी अच्छा खासा है यहाँ पर रहे बट ऊपर के लेवल पे फंसना नहीं है उस टाइम एक्मुलेशन करिए क्योंकि उसके बाद क्या होगा चीजें ही चलती है ऐसे चलती है ऊपर जाती है फिर नीचे आती है फिर भागती है तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है इसे ही क्या कहते हैं इसे ही इलियट वेव भी कहते हैं और चीजें फिर उसके बाद अच्छी नजर आती है उसके बाद चीजें अच्छी जाती है तो रिजल्ट भी हमें देखना है रिजल्ट अच्छे है इस बार के बट और भी रिजल्ट देखने हैं तब तो हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर शेयर लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन मोड में रहा है फ्लैट रहा है और जो ये यह यहाँ पर कैपेक्स हुआ है वो काबिले तारीफ है तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में इसके बारे में ये यह शेयर यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है तो हमें यहाँ पर सब चीज ध्यान रख सकते हैं इस शेयर से रिलेटेड बट एक शेयर हो रहा है जिससे रिलेटी कल वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर उस शेयर की तरफ भी वीडियो देख लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए चैनल करिए को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को हिट करिए नीचे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो थैंक यू सो मच कॉल प्लस